गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, कैलेंडर। क्लियर? तो दोस्तों आज कैलेंडर का एकदम से पोस्टमार्टम कर देते हैं या कैलेंडर को आज निचोड़ देते हैं। दोस्तों वादा कर रहा हूं आप लोगों से कि पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, दोबारा जिंदगी में कभी आपको कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर लें और ईमानदारी से पेन कॉपी लेकर के एक घंटा बैठिए दोस्तों और देखिए, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ये, आप लोग जानते हो। लगभग मैं ऑफलाइन अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो लगभग 7 से 8 लेक्चर लेता हूं तो बच्चों को पूरी तरीके से सिखा पाता हूं। तो दोस्तों कोशिश करता हूं, एक कोशिश है कि आप लोगों को भी कैलेंडर इतनी अच्छे से सिखा दूं कि रीजनिंग में कभी भी कैलेंडर आए या मैथमेटिक्स में कभी कैलेंडर आए तो दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। चलो आ जाओ दोस्तों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है आपका कैलेंडर। क्लियर? कैलेंडर लिख लीजिए सभी लोग, कैलेंडर, या इसको बोलते हैं हिंदी में पंचांग। क्लियर? बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में इससे पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों, तो सभी बच्चे एकदम से रेडी हो जाएं। तो आइए स्टार्ट किया जाए टॉपिक कैलेंडर का। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन उठेगा कि व्हाट इज कैलेंडर। एकदम से कॉपी और पेन ले लीजिए बच्चों। क्लियर? व्हाट इज कैलेंडर, आखिर में कैलेंडर क्या होता है? क्लियर? व्हाट इज कैलेंडर, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। देखो बच्चों अगर अच्छे से पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ बच्चे अभी आए और तुरंत चले जाएंगे तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यदि आप एक घंटा रुक गए तो मैं आपको लोहा मनवा दूंगा कि दोबारा कभी कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भी और किसी टीचर से भी। चलो तो व्हाट इज कैलेंडर, अगर बच्चों हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर होता क्या है। सबसे पहले आखिर जरूरत क्यों पड़ी, तो मानव ने अपने आप को समय सीमा में समृद्ध करने के लिए या अपने आप को बांधने के लिए घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया। जैसे अभी आप लोग बैठे हो, 11:05 से 12:05 तक आपका समय हमारे लिए है। क्लियर? 12 के बाद दोस्तों आपने कहीं और शेड्यूल कर रखा होगा, फिर कहीं और कर रखा होगा। क्लियर? तो अपने आप को आपने समय सीमा में क्या कर लिया, समृद्ध कर लिया या अपने आप को बांध लिया। क्लियर? तो कैलेंडर में क्या है कि मानव ने अपने आप को समय सीमा में समृद्ध करने के लिए घड़ी और कैलेंडर का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों इतने आसानी से तो हो नहीं गया होगा, इसमें कई सदियां, 5000 साल लग गया लगभग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद साइंटिस्ट आते गए, प्रैक्टिकल होता गया और निकल करके हमारे सामने एक रिजल्ट आया, कैलेंडर, जो हम अपने घरों में दोस्तों लटकाते हैं। क्लियर? यहां पर जो देखते होंगे सभी के घरों में एक कैलेंडर लगा होगा दोस्तों। क्लियर? अक्सर हमारे यहां जो हिंदी वाले हैं वो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर लेते हैं। चलो अब ध्यान से देखना कि कैलेंडर में जो यूनिटें थी या चीजें थी वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों इसमें आपका जो है दिन है। क्लियर? दिन के बाद फिर इसमें आपका दोस्तों सप्ताह है या वीक है, फिर दोस्तों इसमें आपका महीना है या मंथ्स है, फिर दोस्तों आपका इसमें तिथि या तारीख या डेट है। क्लियर? इन सभी को जो तालिका रिप्रेजेंट करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं। जिसकी वजह से दोस्तों आप देखते हो किसी देश को कैसे चलाया जा सकता है, टाइम से ही चलाया जा सकता है, किस चीज को कितना, किसी से काम कैसे करवाया जा सकता है। क्लियर? पंखा कैसे घूमेगा, कितनी देर तक घूमेगा, कोई चीज रोटेट कैसे करेगी, वो सब कुछ समय पर ही तो निर्भर करता है। चलो तो आपने समझा कि व्हाट इज कैलेंडर। अब चलते हैं थोड़ा सा कैलेंडर की हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं, कैलेंडर की थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। क्लियर? अब दोस्तों क्या हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर।
इसको दोस्तों पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पांच से छह प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है, क्यों भाई आवाज नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज अच्छी नहीं आती है, रुक रुक कर आ रही है, क्यों भाई? सर सही आ रही है, एक बार आप लोग चेक कर लो भाई, आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज एक बार कमेंट्स करो भाई, सही आ रही है, सब सही है, चलो भाई सब सही है, बच्चे देखिए आवाज कर रहे हैं, कह रहे हैं सब सही है, आ रही है, ओके चलो भाई आ रही है तो आगे बढ़ा जाए। देखिए अब इसमें क्या है कि अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहले प्राचीन कैलेंडर, अगर हम बात कर लें दोस्तों सबसे पहले क्या था, प्राचीन कैलेंडर था, प्राचीन कैलेंडर था जिसमें हमारे दिन 304 होते थे और दिन के बाद उसमें महीना 10 माह होता था, लेकिन ये सुटेबल नहीं हुआ। फिर दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़े, प्राचीन कैलेंडर के बाद हमें विश्वव्यापी कैलेंडर या फिर प्राचीन कैलेंडर के बाद जूलियस का कैलेंडर आया, जूलियस का, क्लियर? और जूलियस ने इसमें 66 दिन और जोड़ के व्यापक संशोधन किए, बट ये भी विश्व स्तर पर विख्यात नहीं हो सका। फिर तीसरे नंबर पे और भी बीच में साइंटिस्ट आते रहे जिनके ज्यादा योगदान थे, महत्वपूर्ण योगदान था, उन्हीं को दोस्तों एक नाम मिलता गया, इनके ग्रेगरी, क्लियर? ग्रेगरी या कुछ लोग इन्हें ग्रेगोरियन भी कहते हैं, क्लियर? ग्रेगरी या इन्हें कुछ बच्चे ग्रेगोरियन भी कहते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे इन्हें ग्रेगोरियन भी कहते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखना कि ग्रेगोरियन का कैलेंडर क्या है जो आज हम लोग अपने घरों में लटकाए हुए हैं या यूज करते हैं, वो कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? ग्रेगोरियन का कैलेंडर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। अब ग्रेगोरियन साहब थे कौन, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। ये रोम के 13वें पोप मतलब 13 नंबर के पादरी, पोप मतलब होता है चर्च का पुजारी, क्लियर? रोम के 13वें पोप ग्रेगरी को कैलेंडर का आविष्कारक माना जाता है क्योंकि इन्होंने व्यापक संशोधन किए और इन्होंने ही लीप वर्ष की धारणा दी, या अधिवर्ष की धारणा किसने दी? ग्रेगोरियन साहब ने दी। और इन्होंने ही दोस्तों 12 महीनों में कैलेंडर को बांटा, या इन्होंने ही 365 और 366 की गुत्थी को सुलझाया, क्लियर? किसने? ग्रेगोरियन ने। तो इसलिए हम किसका कैलेंडर यूज करते हैं? नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे कौन सा कैलेंडर इस समय चल रहा है दोस्तों? ग्रेगोरियन का कैलेंडर चल रहा है, ठीक है? तो ग्रेगोरियन का कैलेंडर समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो कि आखिर ग्रेगोरियन का कैलेंडर कब से यूज होना चालू हुआ। तो दोस्तों 1752 से, ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लियर? ग्रेगोरियन कैलेंडर को संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में, क्योंकि ब्रिटिश का शासन दोस्तों सिर्फ इंडिया पे नहीं था, ब्रिटिश का शासन पूरी धरती पर लगभग मान के चलते हैं तो 70% देशों पर था। तो जब ब्रिटिश, संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य ने ग्रेगोरियन का कैलेंडर 1752 में क्या किया? एक्सेप्ट किया या लागू कर दिया, क्लियर? फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद जब यहां संपूर्ण ब्रिटिश शासन यूज कर रहा था, तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर उपयुक्त मानकर सभी सरकारी क्षेत्रों में इसका प्रयोग करने लगे। और वो डेट क्या थी? सबसे पहले इन्होंने 1952 को एक पंचांग सुधार समिति की स्थापना की। पंचांग सुधार समिति का मतलब कि जो ब्रिटिश का कैलेंडर था उसमें कहीं कुछ जोड़ना घटाना तो नहीं है, कुछ अलग तो चीजें नहीं करनी है, क्लियर? कुछ नहीं करनी है। तो इन्होंने क्या किया, पंचांग सुधार समिति की स्थापना भारत में 1952 की हुई, 1952 में हुई।
और 1952 के बाद जब हमारे यहाँ चुनाव हुए तो हमें भी सरकार बनानी थी और हमें भी देश को चलाना था, तो उसके लिए हमें एक कैलेंडर की आवश्यकता थी। तो दोस्तों ये इन्होंने क्या किया कि 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन का कैलेंडर ही संपूर्ण भारतवर्ष में यूज कर दिया या यूज करने लगे। क्लियर? जो ब्रिटिश यूज करते थे वही हम लोग भी यूज करने लगे। ये किसने आग्रह किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? यहां पे सही चल रहा है? बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। देखता हूं भाई, कुछ लोग बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। चलो भाई अब जरा बताना बच्चों, आवाज आ रही है? बोलो बच्चों आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ भाई बताइए, आवाज आ रही है? सही बच्चे क्लियर आ रही है? अब जरा बताना बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर, ओके, चलिए ठीक है, अब आने लगी है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो इतनी टॉपिक सभी बच्चों के क्लियर हो गई होगी। क्यों भाई? इतना टॉपिक सभी बच्चों का एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोस्तों तो क्या था संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में 1752 से, मैं अभी जितने प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर से, दोस्तों सबको अभी डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? दूसरा, पंचांग सुधार समिति की स्थापना 1952 में भारत में की गई। दोस्तों 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रयोग के लिए बोल दिया गया, अलाउ कर दिया गया। तो यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा चलते हैं आगे की तरफ कि जब ये चीजें चल रही थी, अब हम आते हैं दोस्तों कैलेंडर पे। क्लियर? तो देखिए थोड़ा सा आप लोग अगर चाहो तो इसके क्वेश्चन भी कर सकते हो, अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। अभी मैं ये इस टाइप के हर एक प्रश्न आपको करवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जो जैसे पहला विश्वव्यापी कैलेंडर किसकी देन है? क्लियर? पहला विश्वव्यापी कैलेंडर किसकी देन है? तो दोस्तों आंसर क्या होगा? जूलियस सीजर की। ये जूलियस सीजर अंग्रेजी वाले नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? जूलियस सीजर। क्लियर है भाई सभी लोगों का? बोलो बच्चे सभी का क्लियर है तो एक बार जल्दी से लाइक करो। अगर बच्चों सभी लोगों का क्लियर है कॉन्सेप्ट तो जल्दी से बोलो भाई। आईआईटी जी मैथमेटिक्स क्रैक करना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे, यहां तक क्लियर है? जूलियस, वेरी गुड। विवेक कुमार भैया करेक्ट आंसर दिया है आपने। विवेक कुमार, जूलियस सीजर, वेरी गुड जी, वेरी गुड। क्लियर है? अच्छा अब क्या समस्या हो रही है? पहला क्वेश्चन हो गया भाई। चलो अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, ये दिया गया है। क्लियर? चलो अच्छा कुछ क्वेश्चन को बच्चों को दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। क्लियर? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। चलो अब देखो भाई, अब उम्मीद करता हूं अब बच्चों को समझ में दिख रहा होगा। क्लियर? अब बोलो भाई सभी बच्चों को दिख रहा है? चलिए भाई जल्दी करो। वेरी गुड। वर्तमान में विश्वव्यापी कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में विश्वव्यापी कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों बताओ किस नाम से जाना जाता है? क्लियर? जूलियस सीजर के नाम से जाना जाता है।
वर्तमान में विश्वव्यापी कैलेंडर ग्रेगोरियन के कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्वव्यापी कैलेंडर को चेंज कर दिया गया था, संशोधित करके। टिक कर लीजिए सभी लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, अब एकदम से क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। बस अब आप लोग एकदम से लाइन पे आ गए हैं सभी लोग, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रेगोरियन को कैलेंडर की स्वीकृति कब मिली, आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, सभी लोग नोट कर लें, आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लें सभी लोग, क्लियर, आया हुआ प्रश्न था। मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर दे रहा हूं समझने के लिए। चलो भाई ये है, बोलो जल्दी से आंसर दो, मैं सभी का देख रहा हूं। और आज जो है लास्ट तक टॉपिक पढ़िएगा, फिर देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताते हैं। बस थोड़ा सा ये हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर कर लें, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, देखिए जवाब दे रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में ग्रेगरी कैलेंडर को कब स्वीकार किया गया था, 1752 में, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सभी बच्चे, बहुत अच्छा जी, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, अभी मैंने ऊपर बताया हुआ है, बहुत अच्छे। चलो फोर्थ के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लियर। कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, बोलो जल्दी से, कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग जल्दी से बताएं, कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, ये दिया गया है। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसकी थ्योरी भी कराता चलूंगा, जल्दी बोलो भाई। गुड मॉर्निंग पंकज कुमार भैया, गुड मॉर्निंग सभी लोग, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी, क्लियर, दिया गया है कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, दो में ग्रेगोरियन या ग्रेगरी, वेरी गुड, चौथा नहीं होगा, जूलियस सीजर ने नहीं किया था, ग्रेगोरियन ने, वेरी गुड, ग्रेगोरियन ने। भाई जिसका फाइनल परिणाम आता है उपलब्धि उसको मिलती है, जिसका फाइनल परिणाम आता है, क्लियर, जो जीतता है विनर वही कहलाता है, क्लियर, जो जीतता है वही विनर कहलाता है। तो कैलेंडर का आविष्कार किसने किया था, ग्रेगोरियन ने, क्लियर, नोट कर लीजिए। लगे तो इसमें 50,000 साइंटिस्ट थे, 50,000 लोग आए, काम किए, चले गए, लेकिन जो विनर होता है उसी को उसकी पदवी मिलती है, नोट कर लो, क्लियर हो गया भाई सभी का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर का, ठीक है, बस अभी इसको थोड़ा सा रोकेंगे, अब पहले थ्योरी, तो अब आ जाओ कैलेंडर की, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, अब स्टार्ट करते हैं कैलेंडर, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ सभी बच्चे, सभी बच्चे अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, कैलेंडर अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, जो हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस किए अभी, ध्यान देना सही बच्चे। कैलेंडर, जब कैलेंडर की बात दोस्तों आती है तो इसमें निकल के ये आता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनी देर में करती है, तो ध्यान देना सभी लोग बच्चों, 365 दिन, ध्यान से सुनना सभी लोग, 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। किसी किसी बुक में बच्चों यही जो समय है वो दिया गया है 52 सेकेंड। तो ये जो है याद आपको रखना है, कैलेंडर के बाद पूरा सब कुछ करने के बाद रिजल्ट निकल के ये आया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनी देर में करती है, क्लियर। तो बच्चों नोट कर लो, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितनी देर में करती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, क्लियर। अब ध्यान देना सभी बच्चे कि अगर जो आपने यहां से ये देखा, अब यहां से अगर हम ले लें तो 365 दिन तो एकदम सीधा सीधा हो गया, अब जो हमारा इधर बचा है वो देखो कितना बचा है, ये बचा है, तो
तो दोस्तों ये तो हमारा 365 दिन सीधा सीधा हमने लिख दिया, और जो इधर बचा है लगभग लगभग अगर हम इसको लिखें 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, तो अगर इसको हम देखें तो हम लगभग लगभग कितने लिख सकते हैं, 6 घंटे लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग लगभग 6 घंटे, और ये ऑलरेडी आपका इतना हो गया। तो दोस्तों ये अब हमें यहां से समझना है कि ये हमारा एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन, तो क्या निकल क्या है ध्यान देना, एक साधारण वर्ष, एक ऑर्डिनरी ईयर बराबर एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन। ये आपने सीधा सीधा दिन ले लिया। अब जो है ये बताओ कि अगर दोस्तों 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 चार बरस कर दें तो 6 चौको 24 घंटे, और 24 घंटे बराबर हमारा कितना होता है भैया, एक दिन होता है ना, 24 घंटे बराबर एक दिन मानते हैं। तो अब ये बताओ कि जो लीप हमारी होती है वो क्या होती है, तो एक लीप वर्ष बराबर या एक अधिवर्ष बराबर बच्चों होता है 366 दिन। क्या होता है, 366 दिन। क्यों, एक चीज और समझना है कि 6-6 जुड़ करके लगभग लगभग कितना हो, 6 चौको 24, और 24 में एक दिन, और एक दिन ए 24 एक एक दिन बराबर। तो अब यहां पर एक चीज और समझनी है कि दोस्तों प्रत्येक चौथी बरस लीप वर्ष होती है, यानी कि प्रत्येक चौथी बरस लीप वर्ष 4 साल बाद क्या पड़ती है, प्रत्येक चौथी बरस लीप वर्ष होती है। क्लियर, इतना नोट कर लो सभी बच्चे, प्रत्येक चौथी वर्ष हमारी लीप वर्ष होती है, या प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप वर्ष पड़ती है। सभी लोग नोट करो भाई, क्लियर हो गया, प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। नोट कर लो भाई, यहां तक क्लियर सभी का, प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ें। अब इसमें एक चीज है वो भी आपको समझना है, ठीक है, चलो यहां पे। अब आपने कैलेंडर से 3 चीजें निकाली, ध्यान से समझना, क्लियर, और तीनों को यहां पर समझ लो कि अगर हम यहां पर देखें तो क्या करना होगा। सभी बच्चे ध्यान से समझना कि एक आपने निकाली है 365 दिन, यानी कि एक साधारण वर्ष बराबर बच्चों आपने कितना निकाला है, 365 दिन, और एक लीप वर्ष बराबर आपने निकाला है 366। एक दिन कैसे बढ़ जाता है, अभी मैंने आपको बताया, क्लियर, यानी कि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। अब तीसरी एक चीज बच्चों इसमें और आती है, वो क्या होती है, शताब्दी। क्या होती है, शताब्दी, वो होती है आपकी शताब्दी या सेंचुरी। क्लियर, शताब्दी या सेंचुरी। इसमें क्या होता है, जो वर्ष 100 के गुणज में हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे बच्चों 100, जो 100 के गुणज में हो, फिर बच्चों कितना हो गया 200, क्लियर, फिर हम यहां पे कितना कर दें 300, फिर हम यहां पे कर दें 1700। बस जो वर्ष 100 के गुणज में होगी उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो 3 चीजें क्लियर हो गई आपको, क्लियर, एक आपने साधारण वर्ष समझा कि साधारण वर्ष क्या होता है, क्लियर, एक आपने साधारण वर्ष को समझा साधारण वर्ष क्या होता है, दूसरा बच्चों आपने लीप वर्ष समझा कि एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन होता है, और प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। क्लियर, लीप वर्ष होती है, ठीक है, लीप वर्ष होती है। चलो भाई देखते हैं कौन है, कौन परेशान कर रहा है, ये सब फालतू के लोग होते हैं।
चलो कोई बात नहीं, हटा दिया हूं, फालतू के लोग हैं। चलो ओके भैया, आ जाओ सभी लोग, देखो अपने मुद्दे पे, पढ़ाने दीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा आगे तो बढ़ने दीजिए, बेस थोड़ा सा पहले बना दूं, फिर दोस्तों अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, घबराइए मत। देखिए, एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन और एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन, और एक चीज इसमें होती है सेंचुरी या शताब्दी। तो शताब्दी बच्चों क्या होती है, जो वर्षें 100 के मल्टीपल में हो या 100 के गुणज में हो उन्हें शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्लियर, ये चीज हो गई। अब ध्यान देना कि साधारण वर्ष कहते किसे हैं। क्लियर, ध्यान से सुनना, साधारण वर्ष कहते किसे हैं, तो दोस्तों वे वर्षें, ध्यान से सुनना, वे वर्षें जो 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। क्लियर, चलो मैं समझा देता हूं फिर क्वेश्चन करवाता हूं, घबराइए नहीं एक भी बच्चा। देखो सबसे पहले हम यहां पर कर देते हैं साधारण वर्ष या सिंपल ईयर, यहां बच्चों साधारण वर्ष या सिंपल ईयर, वे वर्षें, क्लियर, वर्षें या वर्ष को किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, वे वर्षें जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, साधारण वर्ष कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, साधारण वर्ष कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूं, क्लियर, और एक चीज समझ लो, शताब्दी भी कर लो, यदि वर्ष को 400 से, क्लियर, वर्षों को देंगे 4 से भाग और शताब्दी को देंगे 400 से भाग, क्लियर, पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। क्लियर दोस्तों, साधारण साधारण शताब्दी वर्ष कहलाती हैं। क्लियर, अब आ जाओ ध्यान से समझो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1951, क्लियर, 1951 बताओ लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। अब पहला प्रश्न ये होगा सही बच्चों का कि सर 4 से ही भाग क्यों देंगे, तो बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी होती है, क्लियर, या प्रत्येक चौथी वर्ष लीप ईयर होती है, अभी पढ़ाया हूं इसलिए 4 से भाग देंगे, प्रत्येक चौथी वर्ष लीप ईयर होती है, और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की जो डिविजिबिलिटी होती है या 4 की भाजकता कहती है दोस्तों कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाएं तो वो संख्या सदैव 4 से डिवाइड होगी। क्लियर, अब जरा देखो, हमें 4 से पूरी संख्या में भाग नहीं देना होता है दोस्तों, हमें सिर्फ भाग देना होता है अंतिम 2 पद में, तो 4 एकम 4, क्या ये कटेगी 4 से, नहीं कटेगी, और जब ये नहीं कटेगी 4 से तो ये क्या हो जाएगी, साधारण वर्ष हो जाएगी। एक और करके देख लो, जैसे बच्चों हमने यहां पर कर दिया 2011, बताइए साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो बच्चों इसको 4 से हम भाग देंगे, और 4 से क्यों देंगे, क्योंकि प्रत्येक चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है, और दूसरी बात 4 की भाजकता क्या होती है, 4 की भाजकता होती है दोस्तों, डिविजिबिलिटी होती है दी गई संख्या के अंतिम 2 पद में भाग देना है, तो अंतिम 2 पद में हमने भाग दिया, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गई, साधारण वर्ष हो गई। अब ध्यान देना, अगर हम यहीं पे लिख देते बच्चों 2016, और 2016 को अब बोलो किससे भाग देंगे, 4 से, तो देखो 4 एकम 4 पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो जब ये संख्या कट जाती है तो ये क्या हो जाती है, लीप ईयर हो जाती है, वो मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा। क्लियर, कहने का मतलब है कि दोस्तों वर्षों को 4 से भाग देना है, अगर पूरी तरीके से नहीं कटी तो वो साधारण वर्ष होगी, और वर्ष शताब्दी को 400 से भाग देना है, नहीं कटी तो वो शताब्दी वर्ष होगी। एज जस्ट लाइक एग्जाम्पल इसका भी देख लो बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने यहां पर कर दिया 1700, कितना कर दिया भैया हमने यहां पे कर दिया 1700, तो बताओ इसको किससे भाग देंगे, तो बच्चों इसको भाग देंगे 400 से, ना कि 4 से, क्योंकि ये शताब्दी है। क्लियर, और काट के देखो देश 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 देश, क्या 4 से कटेगी, नहीं कटेगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगी। क्लियर, एक और देख लो, जैसे हमने कर दिया बच्चों 900,
तो 900 को आप किससे भाग दोगे? तो 900 को बच्चों हम भाग देंगे किससे? 400 से। क्या ये कटेगा? पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? साधारण शताब्दी वर्ष। क्लियर? साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर हम यहीं पर आपसे ये दे दें कि बताइए 1600 को, तो 1600 को बच्चों किससे भाग देंगे? बोलो 400 से। और पूरी पूरी देखिए कट गई ना, तो ये क्या हो जाएगी? लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगी। तो लीप की कंडीशन को अभी हमको आपको बताना है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट चल लेते हैं। अगर यहां पर हम बात करें अधिवर्ष की, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों अधिवर्ष, और इंग्लिश वर्ड है इसका लीप ईयर। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि वर्ष को चार से भाग देंगे। क्लियर? और ये यदि पूरी पूरी कट जाए, क्लियर, बराबर कट जाए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लीप वर्ष हो जाएगी। और यदि वर्षों को हम 400 से भाग देंगे और ये पूरी पूरी कट जाए, तो दोस्तों ये लीप शताब्दी वर्ष होगी। जैसे एग्जांपल यहां देख लो सभी लोग, सारे बच्चे ध्यान से। क्लियर? वेरी गुड, सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं। सही बच्चे देखते रहिए आप लोग। क्लियर? बहुत फायदा होने वाला है। थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि बच्चे बाद में रिक्वेस्ट करते हैं कि सर बेसिक से पढ़ाइए, तो मैं इसलिए बेसिक से स्टार्ट करता हूं और एकदम टॉप तक आपको ले जाता हूं। तो घबराइए नहीं, इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं। और बड़े से बड़ा प्रश्न हो, दुनिया का कोई प्रश्न हो, आप मुझे भेजिए, मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलो तो आ जाओ। अब यहां पर यदि हम बात कर लें बच्चों, मान लीजिए हमने यहां पर कितना कर दिया, 90, ध्यान से सुनना, 90 52। बताइए 90 52 अगर कर दें, तो बोलो 90 52 को क्या करेंगे बच्चों? चार से भाग देंगे। बोलो क्या ये कटेगा? चार एक कम चार कटेगा, और चार तिया 12 कट गया। इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। ये क्या हो गई? लीप वर्ष हो गई। फिर कर देते हैं बच्चों, अगर हम आपको यहां पर कर देते हैं, मान लीजिए 1648 लिखा है, तो 1648 को बच्चों क्या करोगे आप? चार से भाग दोगे, और चार से अंतिम दो में ही भाग देना है, पूरे संख्या में भाग नहीं देना है। चार एक कम चार, चार दूनी आठ कट गया। ये हमारी क्या हो गई? लीप ईयर हो गई। क्लियर? समझ में आ गया है सभी बच्चों का, उम्मीद करता हूं। यहां तक सही बच्चों को क्लियर है। अब करते हैं शताब्दी पे बात। जैसे बच्चों हमने यहां पर लिख दिया 800 वर्ष, तो 800 को बोलो किससे भाग देंगे आप? 400 से भाग देंगे। तो जब ये पूरा पूरा कट जाएगा, देखिए पूरा पूरा कट गया ना चार दूनी, तो ये हमारी बच्चों हो जाएगी लीप शताब्दी वर्ष। क्लियर? लीप सेंचुरी हो जाएगी। एक और करके यहीं पे देख लो, अगर हमने यहां पर कर दिया, मान लेते हैं 3200 यहां कर देते हैं, यहां पर हम 3200 कर देते हैं। सभी बच्चे देखना, यहां पर 3200 दिया गया है, तो 3200 को किससे भाग दोगे बेटा? 400 से भाग दोगे। देश 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 देश, 8 चौको 32 कट गया। ये हमारी लीप शताब्दी वर्ष हो गई। क्लियर है बच्चों? क्योंकि जो बच्चा अगर चेक नहीं कर पाएगा लीप और शताब्दी वर्ष, वो आगे चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्लियर? पक्का वादा कर रहा हूं कि जो बच्चा ये जज ही नहीं कर पाएगा कि कौन सी लीप है, कौन सी साधारण है, कौन सी लीप सेंचुरी है, कौन सी लीप सेंचुरी है। क्लियर? अगर वो चेक नहीं कर पाएगा तो दोस्तों आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे, वेरी गुड, एक बार सभी बच्चे जल्दी से कमेंट्स कर दें अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हाँ जल्दी करो भाई। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक कर ले, जिससे हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन बढ़े। क्लियर? बोलो बेटा जल्दी से सभी लोग, फास्ट। क्लियर है सभी का? चलो अब मैं आपको एक प्रश्न दिखाने की कोशिश करता हूं। क्लियर? जिसमें आपको ये चेक करना होगा। क्लियर? चलिए, जो अभी मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसका प्रश्न देखो। ये बच्चों प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर? ये देख लो, ये एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या होगा। चलो ये लिखा हुआ है, जल्दी से जवाब दें सभी बच्चे।
ये एग्जाम में आपके प्रश्न आ चुका है। वेरी गुड, ये एग्जाम में आप सोच सकते हो बेटा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप लोगों के लिए स्लाइड बनानी पड़ती है, सिस्टम पूरा लगाए हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ लड़के देख लीजिए इस तरीके के कमेंट्स करते हैं जिससे मनोबल कमजोर होता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके लिए जैसे सेवा कर रहा हूं वैसे ही करूंगा, ठीक है। फिजूल के लोग हैं वो, समाज में अक्सर पाए जाते हैं। बोलो भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो, बहुत अच्छा जवाब दिया बच्चों ने। देखिए अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, जो मैं पढ़ाता चल रहा हूं उसका मैं क्वेश्चन भी दिखाता चल रहा हूं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? तो बच्चों पृथ्वी जो है पृथ्वी चक्कर मारती है और सूर्य एक जगह स्थिर होता है। केपलर का नियम आपने फिजिक्स में इंटर में पढ़ा होगा, क्लियर। चलो बोलो जल्दी से। तो अभी मैंने जस्ट आपको बोला है बच्चों के 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड नहीं दे करके ये ऑप्शन आपका करेक्ट था, क्लियर। अभी मैंने आपको पढ़ाया है, नोट डाउन सभी बच्चे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए। ये प्रश्न भी आपको हम बता चुके हैं, तो देखे ये प्रश्न भी बच्चों बताया जा चुका है अभी, और ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। बोलो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग जवाब दें। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, अब समझ में आ रहा होगा। चलो बेटा जल्दी से जवाब दो इसका, ये भी प्रश्न आया हुआ है आपके यहां। हाँ जल्दी से बोलो क्या होगा, फास्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। बस यही रिस्पॉन्स आपको देना है। कैलेंडर का मैं आपको माहिर बना दूंगा, क्लियर। कैलेंडर का मैं आपको माहिर बना दूंगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है दोस्तों, देखते चलो, क्लियर। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जो अभी तक कभी किसी ने नहीं बताए होंगे, क्लियर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बस अपनी उंगलियां चलाते रहिए। तो देखो ग्रेगरी के कैलेंडर को कब राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकृति मिली, यह भी प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों कब स्वीकृति मिली, अभी मैंने आपको बोला था 22 मार्च 1957 को, क्लियर। 1957 को ग्रेगरियन कैलेंडर को स्वीकृति मिली। यह स्वीकृति किसने दी थी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर, क्लियर। संपूर्ण भारतवर्ष में 22 मार्च 1957 को पूरा कैलेंडर ग्रेगोरियन का कैलेंडर लागू कर दिया गया था। वेरी गुड, चलें आगे। तो देख लीजिए आपको थ्योरी के साथ साथ टॉपिक भी बताता चलूंगा। ये क्वेश्चन दोस्तों जिसकी तलाश थी वो देखो बच्चों, जिसकी तलाश थी वो क्वेश्चन देखिए आपके बीच में आ चुका है, क्लियर। अब भी मैं आपको चेक करके लाया हूं, बोलो जल्दी से। बताना है निम्न में से कौन सी साधारण वर्ष है, जल्दी से जवाब दें आप लोग। निम्न में से कौन सी साधारण वर्ष है, कौन सी सिंपल ईयर है, सभी बच्चे फास्ट। नेहरू, वेरी गुड। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड। सागर रॉय, अभिषेक भैया, वेरी गुड अभिषेक, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई जल्दी बोलो, ठीक है। निम्न में से कौन सी साधारण वर्ष है, अभी बच्चों मैंने आप लोगों को बताया है कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। अब ध्यान देना, साधारण वर्ष का मतलब क्या है कि इसको चार से भाग देंगे, तो बच्चों 1948 को चार से भाग देना है। अगर ये कट गई तो लीप वर्ष, नहीं कटी साधारण वर्ष, तो ये कट जाएगी ना, तो कट जाएगी तो ये लीप ईयर हो गई। फिर यहां पर देखोगे 1997 डिवाइडेड बाई 4, ये नहीं कटेगी सिंपल ईयर। और इसको जरा काट के देखो चार से, ये भी कट जाएगी, इसको काट के देखो ये भी कट जाएगी। दैट्स द आंसर, सेकंड इज द राइट आंसर, नोट डाउन।
सभी बच्चे, बहुत सिंपल है बच्चों, चीजें बहुत आसान होती हैं, बस सिर्फ हमें समझना होता है। क्लियर? जिस बच्चे के समझ में आ जाता है उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर? दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं है। क्लियर? हार्ड बस इतना है कि दोस्तों आपने उसको पढ़ा नहीं है इसलिए वो हार्ड है। आखिर बनाया तो किसी मानव ने ही है, आखिर जो भी अध्ययन किया है किसी मानव ने ही तो रिसर्च की है। बस हम थोड़ा सा लूज हो जाते हैं और अपना समय इधर उधर की चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, कंसंट्रेट नहीं होते हैं। क्लियर? और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना यही चाहता हूं कि बगैर लक्ष्य के मेहनत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। इसको कहीं लिख लीजिए, बगैर टारगेट डिसाइड किए बगैर लक्ष्य के मेहनत करना सिर्फ समय की बर्बादी है। क्लियर? अगर आप जो चीज सोचे हो उसमें लग जाओ, नहीं तो बेटा फिर जो नहीं बनना चाहते हो वो बन जाओगे। चलो आ जाओ। वेरी गुड। चलिए तो यहां से आगे की तरफ चलें। अब आपने ये भी सीख लिया जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी लीप ईयर है, ये भी प्रश्न आपका आया है बच्चों, जल्दी से फटाक से बता दो क्या आंसर होगा सभी लोग। चलो ये लिखा हुआ है, जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सी लीप वर्ष होगी, फास्ट फास्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी लीप वर्ष होगी, जल्दी जवाब दें सभी बच्चे। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, बस समय देना पड़ेगा अगर अच्छे से पढ़ना है तो। अभी मैंने आपसे बोला था कि बच्चों अंतिम पद को क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, 2015 चार से भाग देंगे, क्या ये कटेगा, चार से दो अंक कटेंगे, नहीं कटेंगे, जब नहीं कटेंगे तो सिंपल ईयर हो गई। और अगर यहां पर देखो ये भी हमारी सिंपल ईयर है, चार से भाग देंगे, ये भी सिंपल ईयर है, बी इज द करेक्ट आंसर, 1984 चार से बच्चों पूरी डिवाइड हो जाएगी, चार दूना आठ, चार एकम चार, यही हमारी लीप ईयर होगी। नोट डाउन, कितना आसान है, बस याद रखना है कि वर्षों को चार से भाग देना है, यदि कट गई तो लीप, नहीं कटी साधारण। शताब्दी को 400 से भाग देना है, कट गई तो लीप शताब्दी, नहीं कटी साधारण शताब्दी। दैट्स क्लियर? क्लियर? और जो बच्चा ये चीज सीख लेगा वही आगे के आगे उसे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर बच्चों? चलिए तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर? चलो जल्दी से यहां पर देखो, एक प्रश्न और आप लोगों को दे रहा हूं, फटाक से करिए, एक प्रश्न बच्चों आप लोगों को और दे रहा हूं, ये देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है। क्लियर? निम्न में से कौन सी साधारण शताब्दी नहीं है। क्लियर? ये प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से इन चार में से कौन सी साधारण शताब्दी नहीं है। साधारण शताब्दी का मतलब क्या था बच्चों, याद करो, साधारण शताब्दी का मतलब क्या था कि वर्ष को हमें 400 से भाग देना है, तो 400 से बोलो, जरा इसमें 400 से भाग दोगे देखो पूरा पूरा कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसमें से कह रहा है कौन साधारण शताब्दी नहीं है, इट्स ए आंसर, पहला नहीं है क्योंकि ये लीप शताब्दी है। चेक करके देख लो बच्चों, यहां पर 1600 को 400 से भाग दोगे, देश 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 देश, और चार चौक को 16 पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, कहने का मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, जीरो, और पूरा जब डिवाइड हो गया बच्चे तो क्या हो गया, दैट्स ए आंसर। नोट डाउन, क्लियर हो गया, पहले दोस्तों बेसिक समझ लीजिए, और जब बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो कल 11:05 पे, कल 11 बजे, क्लियर, असली चीजों की तरफ चलूंगा, क्योंकि जब आपको यह पता ही नहीं होगा बच्चों कि लीप वर्ष क्या होता है, भाग साधारण वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, तो कैलेंडर पढ़ाने से क्या मतलब है। क्लियर? चिंता मत करिए, आज 50% चैप्टर खत्म करूंगा। चलिए आगे नेक्स्ट जल्दी से। अब देखिए सबसे अलग है, अब यहां से थोड़ा सा हम अलग चलेंगे। क्लियर? कि अब यहां से थोड़ी नई टॉपिक आ जाती है। तो देखिए आपने साधारण वर्ष सीखा, आपने बच्चों लीप वर्ष सीखा कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर? अब हम यहां पर चलेंगे यूनिट ऑफ द कैलेंडर, हेडिंग डालो सभी बच्चे। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनते हैं यूनिट ऑफ द क
कैलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द कैलेंडर। क्लियर? देखो बेसिक जब आपका क्लियर होगा तो दोस्तों आप कैसा भी प्रश्न अटेम्प्ट कर लोगे। मैं आपको ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं कि बेस, और पूरी किताब उठा लीजिए, सभी बच्चों को एकदम चैलेंज है, सभी से चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी दुनिया की किताब उठा लीजिए, पहले क्लास ले लीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, दे भी रहा हूं, क्लियर, और पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, वहां से सभी बच्चे नोट कर लेंगे या लोड कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यूनिट ऑफ द कैलेंडर में सबसे पहले, क्लियर, हम जानते हैं बच्चों दिन होता है तो एक दिन बराबर हम जानते हैं 24 घंटे होते हैं, नोट करते चलो जल्दी जल्दी, एक दिन बराबर बच्चों 24 घंटे होते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद क्या बना है, सप्ताह बना, दिन के बाद क्या बना, सप्ताह बना, और दिन कौन सप्ताह बना, तो लिख लीजिए वीक, क्लियर, क्या हो जाएगा वीक या सप्ताह। तो सप्ताह बच्चों क्या होते हैं आप लोग जानते हो, मंडे, क्लियर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब लोग लिख सकते हो, क्लियर, या सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, चलिए इसको लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बच्चे रवि, क्लियर, यानी कि सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है, ये आप लोग जानते हो, बट मेरा कर्तव्य है कि एक बार मैं आपको जरूर रिकॉल करा दूं, ठीक है। सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 दिन कौन कौन से होते हैं बच्चों, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, क्लियर, इतना नोट कर लीजिए सभी लोग, सप्ताह 7 दिन का होता है, क्लियर। अब ध्यान से बात करेंगे, एक माह में, क्लियर, एक माह में 4 सप्ताह, क्लियर, 4 सप्ताह होते हैं, तथा एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तथा एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, क्लियर, 52 सप्ताह होते हैं, नोट करते चलो भाई जल्दी जल्दी, क्लियर, 52 सप्ताह होते हैं, क्लियर है सही बच्चों का, वेरी गुड, यहां तक अगर सही बच्चों का क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ें, क्लियर, 52 सप्ताह होते हैं, इतना क्लियर है सभी का। अब देखो सप्ताह कैसे निकालते हैं बच्चों, आप जानते हो एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन होता है ना, और सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 से भाग दोगे तो 7 पना कितना हो जाएगा बच्चों, 35 हो जाएगा, 1 जाएगा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1 शेष बचा, और हमें कितने सप्ताह मिल गए, 52 सप्ताह मिल गए, क्लियर। तो एक साधारण वर्ष बराबर 52 सप्ताह होते हैं, एक माह में 4 सप्ताह तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मिनिमम जो हमारा महीना होता है वो 28, 29, 30 और 31 का होगा, क्लियर। तो बच्चों 28 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, क्लियर, अगर इसको भाग देंगे तो भी 7 चौको 28 एक बचेगा, 7 चौको 28 इसमें 2 दिन बचेंगे, 7 चौको 28 में 3 दिन बचेंगे, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का। तो मिनिमम सप्ताह एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, तथा एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है, तथा एक लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह होते हैं और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, यहां पर बच्चों लिखा हुआ है, नोट कर लें सभी बच्चा, क्लियर है सभी का, वेरी गुड, यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इसके साथ ही नेक्स्ट आगे की तरफ, तो आपने ये चीज देख ली। अब हम क्या करते हैं, एक चीज इसमें आपको और समझाना है, किसी भी संख्या में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। अभी हम वीक की बात कर रहे हैं दोस्तों, सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो अब ध्यान देना, यहां पर अगर हम कर देंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्लियर, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये होता है। तो
तो ध्यान देना, किसी भी संख्या में सात जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। इसके बाद बच्चों ये साइक्लिंग पूरी हो जाएगी तो पुल फिर क्या आएगा, एम, फिर क्या आएगा, टी, फिर क्या आएगा, डब्लू, यानी कि सात सात पे होगा। ध्यान देना, तो देखो यहां से चल देंगे तो बच्चा ये क्या होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात और ये कौन सा होगा, आठ, यानी कि जो दिन एक तारीख को होगा वही दिन आठ तारीख को होगा। क्लियर? तो ऐसे समझो, अगर बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि जो दिन 11 तारीख को मान लेते हैं सोमवार है, क्लियर, इसमें यदि हम सात जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये 18 हो जाएगा ना, और 18 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। किसी भी संख्या में सात जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है या सेम डे प्राप्त होता है, प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, ध्यान देना। इधर अगर चलेंगे, इसमें से माइनस सात अगर हम कर देंगे तो बोलो यहां पर बच्चों कितना बचेगा, सात चार ग्यारह, यहां पर चार तारीख बचेगी ना, और चार को भी अगर हम देखेंगे तो इस दिन भी बच्चों क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। नोट कर लीजिए, क्लियर, क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया सभी का, बोलो भाई, किसी को अगर यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो भाई, क्लियर है। अब ध्यान देना, जैसे यहां पर एक है ना, तो अब हमने यहां पर क्या करते, यहां से यहां तक तो सात था ना, ध्यान देना सभी लोग, यहां से यहां तक तो सात था, लेकिन जैसे ही इसमें आपने एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्लियर। तो आप चेक कर लीजिए कि जो दिन हमारा एक तारीख को होगा, ध्यान से समझना सभी लोग, जो दिन एक तारीख को होगा इसमें सात जोड़ेंगे वही बच्चों कितने को, आठ तारीख को वही दिन होगा, फिर इसमें सात जोड़ेंगे तो सात जोड़ेंगे इसमें 14 15, वही दिन 15 तारीख को होगा। क्लियर? जो दिन यहां होगा वही दिन यहां होगा, वही फिर इसमें सात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्लियर, अब जल्दी से बोलो कितना हो जाएगा, 22, यही 22 तारीख को होगा, फिर इसमें सात यदि हम जोड़ देंगे वही 29 को होगा। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, क्लियर, इतना नोट कर लें सभी बच्चे। क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, संतोष तिवारी जी धन्यवाद, संतोष जी आपका, संतोष तिवारी जी धन्यवाद आपका भी, बस आप लोगों का सहयोग है। चलिए देखिए, 104 बच्चे ऑलरेडी लाइव क्लास में हैं अभी, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग दे रहे हैं भैया। चलो बच्चे देखिए ध्यान से, इतना क्लियर हो गया सभी का, तो अब आपने वीक समझ लिया, अब वीक के बाद हम आगे की तरफ जब बढ़े, क्लियर, तो वीक के बाद अब आएगा बच्चों मंथ्स, क्लियर। अब हमने वीक का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, अब हम यहां पर लिखेंगे मंथ्स। नोट कर लें सभी बच्चे लाइव क्लास में डायरेक्ट, और कोई भी प्रश्न आप कल हमसे पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हो बच्चों, क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, अब हम मंथ्स पे बात करेंगे या महीनों पर बात करेंगे। तो महीनों में भी देख लीजिए, जब हमारे बीच महीने आए तो 365 दिन, ध्यान से समझना सही बच्चे, 365 दिन और 366 दिन को हमें डिवाइड करना था, कितने में, मतलब इतनी संपत्ति थी 365 और 366 और 12 भाइयों में हमें डिवाइड करना था। क्या क्या था बच्चों, ध्यान से देखना कि हमने क्या किया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्लियर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्लियर। जस्ट 5 से 10 मिनट बाद आप दुनिया की कोई भी डेट हो उसका दिन देखते ही बता दोगे, क्लियर। बस थोड़ा सा यही, इसी को बस समझ लीजिए, दुनिया की कोई भी डेट आपको देगा उसको देखते ही आंसर आप मार देंगे, कोई ट्रिक आपको नहीं लगाना होगा, इन्हीं बेसिक फंडों से। तो आगे चले, अब इन्हीं को हमने बंटवारा किया इन 12 लोगों में के बच्चों ध्यान देना, 28 कौन लेगा, फिर 28 के बाद 29 का महीना, और फिर 30 का महीना,
और फिर 31 का महीना, क्लियर। इन्हीं चार में हमें डिवाइड करना था या बंटवारा करना था। या तो महीना हमारा 28 का हो सकता है, या तो हमारा महीना बच्चों 29 का हो सकता है, या तो हमारा 30 का हो सकता है, या 31 का हो सकता है, क्लियर। बच्चों कोई भी प्रश्न कैलेंडर का हो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे वो आपका आईएएस का हो, पीसीएस का हो, किसी भी लेवल का कैलेंडर का प्रश्न हो, क्लियर, आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते हो, क्लियर, नहीं जानते हो तो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करो कोई भी प्रश्न हो, लेकिन क्वेश्चन जायज होना चाहिए, गलत प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आपने अपने से गलत लिख दिया और मुझे फॉरवर्ड कर दिया, क्लियर, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूं। इतनी चीज क्लियर है। तो इतनों में इसे डिवाइड करना था। तो बच्चों अब यह समस्या आई कि इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखना सही बच्चे कि इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो एक चीज सामने थी कि अप्रैल, ध्यान देना, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा मानो, अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा मानो और बाकी सब बच्चों 31 जानो, क्लियर, और बाकी सब 31 जानो। सिंपल सी दो लाइन है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर तीसा मानो और बाकी सब 31 जानो। कहने का मतलब और जितने भी हैं वो सब बच्चों 31 का है, ये 31 का है, फरवरी अभी छोड़ दो, 31 का है, 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 क्लियर। अब एक प्रश्न और आपके बीच में क्रिएट हो गया कि बच्चों कौन से वो दो दिन हैं जो लगातार 31 के होते हैं। तो बच्चों देख लो यहां पर ये दिया है। और चीज एक है, इसको मैं थोड़ा दूसरे पेन से बच्चों करूंगा, क्लियर, हो सकता है आप देखो 28 फरवरी क्या होगी, यही आपको समझना है। फरवरी 28 की होगी और 29 की होगी, क्लियर, जब साधारण होगी तो 28 की, और जब फरवरी लीप की होगी तो बच्चों 29 की होगी। यह चीज क्लियर है सभी बच्चों का, इतना समझ लो। अब यहां पर एक चीज और बताने वाली है, वो भी ध्यान से समझना सारे बच्चे, क्लियर, देख लो। अब हमें तीन चीजें मिल गई बच्चों, एक तो हमें वो मिल गए 30 डेज वाले, कितने हैं बोलो, 30 डेज वाले 4 होते हैं, क्लियर, 30 डेज वाले 4 होते हैं। तो अच्छा चलो एक मिनट, 30 डेज वाले कितने हैं, 4 हैं। तो अब यहां पर बोलो 30 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें, क्लियर, तो 7 चौको कितना हो गया, 28। एक मिनट, जो ऐसे ही चलो समझो, 4 हो गए, 30 के कितने हो गए, 4 हो गए, कौन कौन से, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। अगर इनका हमें ऑड डेज कोई पूछ ले, विषम दिन कोई पूछ ले, तो बच्चों 30 को हम क्या कर दें, अगर 30 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, इनका रिमाइंडर 2 होगा, नोट कर लो। अभी रिमाइंडर बताता हूं बच्चों, अभी रिमाइंडर निकालना आपको सिखाता हूं, क्लियर है सभी को, सभी बच्चे अगर क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट तो एकदम से नेक्स्ट। फिर बच्चों और एक चीज आपको बताते हैं, देखो कितना, फिर 31 डेज वाले कितने होंगे, क्लियर, देखो भाई बेस तो बनाना ही पड़ेगा, अगर बेस नहीं है, बेस आपका मजबूत नहीं है तो फिर बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बच्चों आप लोग सुनते होंगे कि भारत के 650 लोग ऐसे हैं, 650 लोग ऐसे हैं जो 23 से 24 साल की उम्र में आईएएस बन गए, आप इंटरनेट पर सर्च मार सकते हो, उनका टारगेट डिसाइड था और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत थे, क्लियर, जिसका बेस मजबूत नहीं होगा वो दोस्तों परेशान रहेगा, जिसका लक्ष्य नहीं डिसाइड होगा वो कोई भी फार्म आ जाएगा वो उसी को डाल देगा, बस उसको उस डिग्री होनी चाहिए। तो पहले लक्ष्य डिसाइड करो और बेस बनाओ पहले, क्लियर, बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी बेस क्लियर है, तभी मैं आपसे बोल रहा हूं दुनिया का कोई भी कैलेंडर का प्रश्न हो आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको जरूर सॉल्व करके दूंगा, ये वादा कर रहा हूं आपसे, कहीं भी किसी एग्जाम में आया हो, किसी सिविल में या कहीं पर भी। चलो
अब यहां पर 31 के देखते हैं कितने हैं, तो बच्चों यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं, 7 होते हैं। सब अपना लिख लीजिएगा, क्लियर। इन सात जो पीले से लिखे हैं उनको लिख लीजिएगा, जे है, क्लियर, फिर यम है, ये सब कर लीजिएगा। इसमें यदि रिमाइंडर की बात करेंगे तो देखो 31 है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा बच्चों, इसका रिमाइंडर 3 होता है, क्लियर, इसका रिमाइंडर हमारा 3 होता है, नोट डाउन, क्लियर है, इसका रिमाइंडर 3 होता है। चलिए जल्दी से आगे के बढ़ते हैं, इसका रिमाइंडर 3 होता है। अब यदि 28 की बात कर लें तो बच्चों 28 और 29 जब साधारण में फरवरी होगी तो 28 की होगी, लीप में होगी तो 29 की होगी। अब यहां पर देख लीजिएगा, ये फरवरी आती है, एक ही महीना ऐसा है जो ये डिस्टर्ब करेगा आपको। इसमें यदि हम बात करेंगे रिमाइंडर की तो बच्चों इसमें रिमाइंडर कितना होता है, 0 और क्या होता है, 1। जब 28 का है तो 7 चौक 28 रिमाइंडर 0 हो गया। संध्या तिवारी सर, अदर कोई मैथ का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो सर जी? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं संध्या जी, संध्या तिवारी जी बिल्कुल दे सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। चलिए यह चीज क्लियर हो गई सभी की, और इसमें रिमाइंडर 1 आएगा। तो अब आपने क्या सीख लिया दोस्तों, सामने लिखा हुआ है, आपने मंथ सीख लिए। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि जो आपने देखा हुआ है कि कभी दिवाली हमारी 3 तारीख को पड़ जाती है, कभी दिवाली 17 तारीख को पड़ जाती है, कभी होली 2 तारीख को पड़ जाती है, कभी होली 9 तारीख को पड़ जाती है, तो ये सर क्या डिस्टरबेंस है? तो बच्चों ये जो डिस्टरबेंस है, ये आप जो देख रहे हो ना, ये इंग्लिश कैलेंडर है। ये कौन सा है? इंग्लिश कैलेंडर है। हिंदी का कैलेंडर भी दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं कि हिंदी में जो नाम होते हैं वो इस तरीके के नेम नहीं होते हैं, क्लियर। देखो मैं अभी आपको जस्ट दिखाता हूं कि हिंदी के जो बच्चों नेम होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए आ जाओ, हिंदी के नेम आपको दिखा देते हैं। ये देखो हिंदी के जो नेम लिखे हुए हैं उनको आप लोग ध्यान से समझ लो। ये देखो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी आपको बताने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों हिंदी के कैलेंडर के नेम क्या होते हैं। जनवरी को, यानी कि जनवरी को बोला जाता है चैत, क्लियर है बच्चों? बिल्कुल यस के मिश्रा जी, सब कुछ पढ़ाऊंगा, यस के मिश्रा जी बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है, हल्का सा साइड में कर देता हूं। ये देखो ये लो, क्लियर। अब बोलो क्लियर है सभी का? तो देखो भैया जनवरी को क्या बोला जाता है हिंदी में, जनवरी को बोला जाता है चैत, ध्यान से लिखते हैं, लिख लो, जनवरी को बोला जाता है बच्चों चैत, ठीक है, चैत। फरवरी को बोला जाता है बैसाख, क्लियर, ये लिखा हुआ है, क्लियर, बैसाख। जेठ, मार्च को बोला जाता है, मार्च को जेठ। अषाढ़, श्रावण, भादव, अश्वन, कार्तिक, क्लियर, अग्रहण, पोष, मार्गशीर्ष और फागुन, क्लियर, और फागुन नोट कर लीजिए। हाँ वेरी गुड, मार्च को, ठीक है, यह चीज क्लियर हो गई। इसमें पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, चैत होता है, क्लियर। हिंदी कैलेंडर का जो महीना होता है वो चैत होता है और अंतिम हमारा फागुन होता है। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये दोस्तों अक्सर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड क्लास कल जो है बच्चों, सेकेंड क्लास चलेगी 11:05 से, ठीक है, कल क्लास चलेगी 11:05 से, बस थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जहां तक अभी हम लोग पढ़ा रहे थे या चल रहे थे,
तो आपने क्या सीख लिया बच्चों, मंथ भी आपने सीख लिया, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज और बता देता हूं, क्लियर। ये आपने मंथ भी सीख लिया, ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है, क्लियर। तो मंथ से रिलेटेड चीजें हमने आपको बता दी हैं सभी लोगों को। अब दोस्तों कल विषम दिन आपको बताएंगे, और दुनिया की कोई भी डेट विद इन सेकेंड, आप बोलोगे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आप चुटकियों में निकाल लोगे उस दिन कौन सा दिन था। कोई आपसे पूछा जाएगा 17 जनवरी 1825 को कौन सा दिन था, आप दोस्तों तुरंत निकाल लोगे एक लाइन में। लेकिन उसके लिए ये जो आज मैंने पढ़ाया है और दोस्तों कल की क्लास आपको लेना बहुत ही अनिवार्य होगी, क्लियर। ये क्वेश्चन अभी जो पढ़ाया हूं उसका आंसर देना है, ठीक है, जो अभी पढ़ाया हूं, वेरी गुड, क्लियर। कौन से दो महीने लगातार 31 के होते हैं, क्लियर। अभी जस्ट पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, 31 के होते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला था दोस्तों, क्लियर, क्या बोला था, जल्दी बोलो क्या हुआ था, जुलाई और अगस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जुलाई और अगस्त इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। जुलाई और अगस्त देखिए बच्चों ने बताया है, जुलाई अगस्त, वेरी गुड, अभिषेक, अंकिता, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं बच्चों ने, गुड़िया गुप्ता, विनीत, अजीत, वेरी गुड, बहुत अच्छे, दीपक कुमार, बहुत अच्छे, नरेंद्र, 4 करेक्ट आंसर है भैया, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, देखें एक प्रश्न और हो शायद, हाँ देखिए ये भी कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, ये भी प्रश्न आप लोग कर लें, देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग कर लीजिए। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों की पड़ती है, देखिए मैं क्वेश्चन साथ साथ में भी आपको कराता चल रहा हूं दोस्तों, क्लियर। और ये वो प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो आप लोगों से ये बोल दे रहा हूं, क्लियर, आप लोगों से बोल दे रहा हूं कि कैलेंडर के आप क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए, क्लियर, और किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हो दुनिया का कोई भी प्रश्न, बस प्रश्न जायज होना चाहिए, फिजूल का प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्लियर। चलिए जो एग्जाम में आया हो, एग्जाम बेस्ड हो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों लीप वर्ष में फरवरी कितने की पड़ती है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, और बच्चों साधारण में फरवरी 28 की होती है, क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए ये अभी बाद में बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी आज यहीं पर रुक जाते हैं, आज यहीं पर रोक देते हैं, 15 क्वेश्चन के बाद में कल दोस्तों आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, बच्चों को जाना भी होगा। दोस्तों कैलेंडर का कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है, क्लियर, एनी वन, कैलेंडर का कोई भी प्रश्न या किसी भी किताब का फंसा हुआ है, तो बच्चों 9559258470 पर संपर्क कर लीजिए, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो बच्चों मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, क्लियर, टेलीग्राम, टेलीग्राम है मंजीत सिंह, क्लियर, मंजीत सिंह पर जाइए और टेलीग्राम बच्चों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रश्न है इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं जब भी फ्री हूंगा, क्लियर, आपको क्वेश्चन अवश्य बताऊंगा दोस्तों, क्लियर। और कल की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आज तो दोस्तों बेसिक थी चीजें, कल की जो क्लास होगी वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगी, क्लियर, ये समझ लीजिए 4 भी आप लगा सकते हो। तो अब इसके बाद कल की जो क्लास होगी बच्चों वो 11:05 से स्टार्ट होगी, क्लियर, और आगे जब तक आप लोग नहीं कहोगे चलता रहता, 1 घंटे मिनिमम तो होगा ही, कल आप जो है यहां पर पहुंच जाइएगा समय से। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक कर लें जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, और अपने सगे संबंधियों से कल बोल दीजिएगा कि 11:05 पे लाइव रहें। मैं चाहता हूं कि एक बच्चा भी अगर एक बच्चे को लाएगा तो बच्चों सीधे डबल हो जाएंगे, क्लियर। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।